विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के युवक के द्वारा बनाई जा रही है आकर्षक राखियां। गरियाबंद जिले के विकास खंड छुरा के ग्राम जामली के विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा विजय कमार के द्वारा बांस से फैंसी राखी बनाई जाती है। इनके द्वारा बांस से कई कलाकृतियां बनाई जाती है जिसकी सप्लाई जिले भर में होती है। विजय कमार के द्वारा पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी धंधे को एक नया रूप देकर जीवन चलाने और लोगों के बीच एक नई पहचान बनाने का निर्णय लेते हुए इस क्षेत्र में उन्होंने काफी मेहनत करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा। इस कार्य में उनके परिजन का भी भरपूर सहयोग मिला और वे कहते हैं अगर प्रशासन से उन्हें सरकारी सहयोग मिले तो इस काम को वे और भी अच्छे विस्तृत रूप में करना चाहते हैं। अभी उनके पास संसाधनों की कमी है, इसी के चलते सीमित काम कर पाते हैं। जी, ये जो राखियां हैं उसे आप बनाते हो? जी सर। किन चीज़ों से बनाते हो? ये मुख्य बांस से बनाता हूँ, कुछ फैंसी सामान उसमें डालते हैं। अभी राखी के सीजन में आप ये राखी का काम करते हो? जी सर। इसके साथ साथ आप और क्या चीज़ें बनाते हो? इसके साथ साथ गुलदस्ता है, मयूर है और माता जी की फोटो है और सजावटी सामानों को बनते हैं। ये सब बांस के बर्तन से बनाते हो? जी। ये सब बनाने के लिए आप कहीं पे प्रशिक्षण लिए, किसी से सीखे या खुद से सीखे हो? नहीं, खुद से सीखे हैं। घर से अपने माता पिता जो लोग टुकनी बर्तन बनाते थे उसी से प्रेरणा लिया थोड़ा और मैं खुद से ये सीखा हूँ। आप इनको बेचने के लिए कहाँ तक ले जाते हो? इसे बेचने के लिए अपन जिला तक लेते हैं। इसे देखते हुए क्या आप विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार जाति से आते हो, प्रशासन के द्वारा कोई इसमें मदद मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। अभी गरियाबंद जिले में सीधी भर्ती का पढ़े लिखे शिक्षित जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके लिए जो वैकेंसी वगैरह खुला है आप उसमें डाले हो? जी सर। इससे पहले और डाले थे? हाँ डाले थे। नहीं लग पाया? नहीं लग पाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार कमार है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं ग्राम जामली के निवासी हूँ।